आप पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहता है या काम करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, उससे अच्छा आप घर में अपने रख सकते हैं, पिंजरे में रख सकते हैं, आपके पास जगह है तो छत पे रख लें, रूम में रख लें, कहीं पे भी। तो ये फुल टाइम से भी काफ़ी अच्छा है, पार्ट टाइम कोई भी कर सकता है, घर में औरत भी कर सकती है, फीमेल कोई भी, स्टूडेंट कर सकता है, बड़ा कर सकता है, कोई भी कर सकता है इजीली, इतना मुश्किल काम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, नाज़रीन को अपना तारफ करवाइएगा। मेरा नाम दानियाल है, बाजवा पोल्ट्री फार्म है, हम इयाम सिमानी का काम करते हैं। अच्छा, इयाम सिमानी का काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन एक साल होने वाला है। एक साल का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कितनी इयाम सिमानी की मुर्गी हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन 9 मुर्गी हैं। 9 मुर्गियाँ? हाँ जी। तो ये इयाम सिमानी का शौक आपको कैसे पड़ा था? स्टार्टिंग में 7 ऑस्ट्रलोप रखी थी और ये रखे थे कुछ पीस, उसके बाद ऑस्ट्रलोप ख़त्म कर दी और इयाम सिमानी का ट्रेंडिंग पे चाह रहा था, शौक भी था, पहले शौक के लिए रखी थी, फिर आस्ता आस्ता कारोबार बन गया। ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह इंतहाई यंग उम्र में आपने मुर्गियों का काम ही क्यों चुना? बस इसी तरह पार्ट टाइम के लिए साथ स्टडी कर रहे हैं, कुछ टाइम इसमें दे देते हैं, 7 भाई होती। तो कैसा मतलब समझते हैं आपकी, ये आपने जो साइड बिजनेस शुरू किया हुआ, कैसा समझते हैं इसे, बेहतर है या फिर गुजारा ही कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा है, फुल टाइम से भी अच्छा है साइड बिजनेस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स ऐसा काम करना चाहते हैं उनके लिए बताएं कि इनसे मुर्गियों से बंदा कैसे अर्न कर सकता है? मुर्गियों का ये है, कुछ टाइम सुबह में, कुछ टाइम थोड़ा तकरीबन एक दिन में 1 से 1.5 घंटा देना पड़ता है, वो आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं। जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उससे बेहतर ये है, घर में कोई भी कर सकता है, आप नई भी हैं, फीमेल भी कोई कर सकती हैं, तो उनके लिए सही नहीं है। नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे बंदा इनसे अर्न कर सकता है इयाम सिमानी की मुर्गियों से? इयाम सिमानी का ये है, सोशल मीडिया पर ईज़िली सेल होते हैं, और इसमें कुछ मतलब एग्स वगैरह, चिक्स वगैरह की सूरत, चिक्स इजी तरह सेल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि कितनी मुर्गियां आप बता रहे थे हमारे पास? जी, हमारे पास 9 मुर्गियां। 9 मुर्गियों से महाना बंदा कितना कमा सकता है? इजीली 3 से 4 लाख बंदा कमा सकता है। 3 से 4 लाख? जी भाई। कितनी मुर्गियों से? 9 से 10 मुर्गियां इजीली। अच्छा, ये 3 से 4 आपने बताइए, फिजिबिलिटी तो दें थोड़ी सी। इसका एक चिक्स 4000 रुपये का सेल हो रहा है 10 दिन का, तो एक मुर्गी महीने में 15 से 20 अंडे देती है, तो बीच में से 15 भी चिक्स लगाएं तो 60,000 रुपये की एक मुर्गी के चिक्स बन रहे हैं सिर्फ, तो वो आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लें आगे। यानी कि 9 मुर्गियां तो 60,000 के हिसाब से कितने पैसे बन जाते हैं। जी। अच्छा, इनका क्या डेली का क्या रूटीन आपने रखी हुई है, कितना खर्चा कर रहे हैं इन पर? डेली का कुछ ख़ास ख़र्चा नहीं है इन पे, नॉर्मली फीड होती है साथ, उसके अलावा अंडे वगैरह डालते हैं फीड में, कुछ और विटामिन देते हैं इन्हें, जितना अच्छा देंगे उतना अच्छा रिजल्ट देंगी। ठीक है। अच्छा, इयाम सिमानी का काम पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा है जी, फ्यूचर आप इसका कैसे देखते हैं? फ्यूचर अभी तो इसका है, अभी तो ये स्टार्ट हुई है, और वैसे भी इसका अभी ये जिस तरह बढ़ती जाएगी आगे चल के इसका मीट यूज़ होने लग पड़ेगा, एक्सपोर्ट की तरफ चली जाएगी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता इसका। यानी कि इसका मीट जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू होगा। बाहर के मुल्कों में तो खाया जा रहा है लेकिन अभी इधर बहुत महंगा है, इस वजह से कोई खा नहीं पा रहा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी शुरू हो जाएगा। तो क्या आपने फ्यूचर में अपनी क्या प्लानिंग रखी है, सिर्फ 9 मुर्गियों को ही लेके चलेंगे या मजीद इस पे काम? नहीं नहीं, मजीद इस पे काम करेंगे, आगे चेंज भी करेंगे, वक्त के साथ साथ, वक्त से पहले चलना पड़ता है, जो वक्त से पहले चलेगा वो कामयाब रहेगा। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि इयाम सिमानी मुर्गियां जो हैं, क्या नॉर्मल मुर्गियां जो हैं उसी तरह रख रहे हैं या इनको कोई ख़ास प्रोटोकॉल दे रहे हैं? सारी बात है, ख़ास प्रोटोकॉल है, इतनी महंगी हैं तो प्रोटोकॉल भी देते हैं, तो उस तरह रिजल्ट भी देती हैं। अच्छा, क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं आप इनको? इनको टेम्परेचर दे रहे हैं, उसके अलावा इनकी डाइट अच्छी है, सब कुछ इनको दे रहे हैं। ब्रूडिंग करना एक मुश्किल काम है सर्दियों में जी, तो ब्रूडिंग कैसे कर रहे हैं आप चिक्स की? चिक्स के लिए ब्रूडर रखा हुआ हमने, उसके इजीली बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। नहीं मतलब हीट वगैरह सारा, हीट टेम्परेचर उसका 33 to 35 के दरमियान होता है, ऑटोमेटिक है, खुद ही वो बल्ब उसके ऑन हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो मुर्गियाँ जो है इनको कितना टेम्परेचर दे रहे हैं? मुर्गियों को रूम टेम्परेचर ही है, वो बहुत अच्छा, उसके नीचे हमने वो चावल का छिलका डाला हुआ, वो बहुत हीट होती है उसकी, तो कमरा रूम बंद होता है तो वो टेम्परेचर सही रहता है।